हेलो स्टूडेंट्स बेटा, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्करेंस की एग्जांपल नंबर 10। वेरीफाई दैट इफ एन इंटीजर इज साइमल्टेनियसली स्क्वायर एंड क्यूब। जैसे बेटा मैंने 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 4 द क्यूब। इफ एन इंटीजर इज साइमल्टेनियसली स्क्वायर एंड ए क्यूब then it must be either of the form 7k or 7k plus 1। हमने ये प्रूव करना है बेटा। लेट बेटा मैं कोई इंटीजर कंसीडर किया, a इज एनी इंटीजर। बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम a इक्वल टू 7t 7q प्लस r। r की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 6। ओके मेरे पास ये, अब मैंने इसका स्केयर किया, देखो ए स्केयर। यदि आर की वैल्यू जीरो है तो मेरे पास 7 × 7 क्यों, तो मेरे पास क्या होना बेटा? ए स्केयर कॉन्करेंट 0 mod 7। ओके मेरे पास ये है बेटा, ए स्केयर कॉन्करेंट 0 mod 7। इसके बाद बेटा मैंने इसकी वैल्यू 1 रखी तो ए स्केयर कॉन्करेंट 1 mod 7। ओके देखो बेटा ए स्केयर, मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या बना बेटा यहां पे ए कॉन्करेंट 0 1 2 3 4 5 6 mod 7। अब मैंने स्केयर किया बेटा, ए स्केयर कॉन्करेंट 0 1 4 9 16 25 36 mod 7। अब देखो बेटा 0 1 4 9 किसके साथ कॉन्करेंट है बेटा? 2 mod 7, तो मेरे पास क्या आ गया? 9 का क्या आ गया? 2। 16 कॉन्करेंट 2 mod 7। ओके 2 आ गया बेटा यहाँ, क्लियर है। 25 कॉन्करेंट 4 mod 7। ओके 36 कॉन्करेंट 1 mod 7, तो यहाँ पे 1 भी है, तो मेरे पास क्या आ गया? ए स्केयर कॉन्करेंट 0 1 2 4 mod 7। इसको 1 लिख लीजिए। अब बात करते हैं क्यूब की, यहाँ से बेटा ए क्यूब कॉन्करेंट 0 1 8 27 64 125 and 216 mod 7। देखो ए स्केयर कॉन्करेंट 0 1 8 8 किसके साथ कॉन्करेंट है? 1 mod 7, तो यहाँ पे 1 आ गया। 27 कॉन्करेंट कितना आएगा बेटा? 21 6 mod 7, तो 6 आ गया। 64 कॉन्करेंट 1 mod 7, तो 64 का कितना आ गया? 1। 125 7 1, 55 7 49 कितना है बेटा? 6, तो 6 आ गया बेटा, क्लियर है। इसके बाद बेटा आ गया 216 डिवाइड कितना हुआ बेटा? 6, तो 6 आ गया। मोड कितना हुआ बेटा? 7। तो बेटा इसने क्या कहा बेटा? एनी इंटीजर बेटा जिसमें साइमल्टेनियसली वो स्केयर भी है और क्यूब भी है, ठीक है बेटा। साइमल्टेनियसली कॉन्करेंस इन्हें कहा ना, एनी इंटीजर साइमल्टेनियसली स्केयर एंड क्यूब। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू देखो कौन सी बारी है, रिमाइंडर देखो कौन कौन से आ रहे हैं। तो 0 1, इसमें भी 0 1। यदि मैं लिखूं ए स्केयर कॉन्करेंट 0 ए स्केयर कॉन्करेंट 1, यहाँ पे ए क्यूब कॉन्करेंट 0 ए क्यूब कॉन्करेंट 1, तो बेटा मैं सी एक इंटीजर जो मैंने कहा ना साइमल्टेनियसली, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 64। ऐसी मैंने ए स्केयर और ए क्यूब की वैल्यू क्या रखी? 64। ऐसी मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ 64 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 64 है, इसकी वैल्यू भी, इसकी ए स्केयर की वैल्यू भी सी है, ए क्यूब की वैल्यू भी सी है, तो सी 0 और 1 मोर 7।
तो सी कॉन्करेंट जीरो मोड सेवन मीन्स क्या होगा बेटा, सी किसके इक्वल है, सेवन के। सी कॉन्करेंट वन मोड सेवन मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, सेवन के प्लस वन। हमने यही प्रूव करना था, जो इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, या सेवन के या सेवन के प्लस वन की फॉर्म में। ओके एग्जाम्पल बेटा इलेवन, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर ए ग्रेटर देन टू सच दैट टू डिवाइड ए, थ्री डिवाइड ए प्लस वन, फोर डिवाइड ए प्लस टू, फाइव डिवाइड ए प्लस थ्री एंड सिक्स डिवाइड ए प्लस फोर। मैंने स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करना बेटा, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके तो मेरे पास क्या है, ए कॉम्पोनेंट जीरो मोड टू, इसकी क्या है बेटा, ए कॉम्पोनेंट माइनस वन मोड थ्री। तो इसको ऐसे लिखता हूं, ए कॉम्पोनेंट देखो माइनस वन कॉम्पोनेंट टू मोड थ्री, तो इसको क्या लिखता हूं, ए कॉम्पोनेंट टू मोड थ्री। ओके बेटा फर्स्ट सेकेंड, पहले इनको सॉल्व करो बेटा, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट ए इक्वल टू टू के, 2k1 लिखिए, तो इसको यहां पर पुट कीजिए, 2k1 कॉन्करेंट 2 मोड 3, तो 3 डिवाइड 2k1 माइनस 2, 3 डिवाइड 2k1 माइनस 1। देखो बेटा 2 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है 1, तो 3 डिवाइड k1 माइनस 1, तो k1 माइनस 1 किसके इक्वल है, 3k2, तो k1 की वैल्यू क्या आ गई, 3k2 प्लस 1। पुट इन तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2 3 k 2 प्लस 1, a इक्वल टू 6 k 2 प्लस 2 आ गई बेटा। अब नेक्स्ट a प्लस 2 कॉन्करेंट 0 मोड 4, तो a कॉन्करेंट माइनस 2 मोड 4 बेटा, माइनस टू कॉन्करेंट टू मोर फोर, तो इसको क्या लिखूंगा, ए कॉन्करेंट टू मोर फोर। बेटा ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हूँ, पहले फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ बेटा, तो सिक्स के टू प्लस टू कॉन्करेंट टू मोर फोर, तो मेरे पास सिक्स के टू कॉन्करेंट जीरो मोर फोर। ओके तो फोर डिवाइड कितना होगा बेटा मेरे पास, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 4 डिवाइड 6k2 माइनस 0, 6k2 इक्वल टू 4t, तो मेरे पास कितना हुआ, 3k2 इक्वल टू 2t। अब देखो बेटा यहां से 4 डिवाइड 6k2, 2 डिवाइड 3k2, तो 2 एंड 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 था, 2 डिवाइड k2, k2 किसके इक्वल आ गया, 2k3। यहाँ पे पुट कर दो बेटा, a की वैल्यू क्या होगी, 6 2k3 प्लस 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 12k3 प्लस 2। बेटा देखो पहले मैंने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया, उसको सेकंड में पुट किया, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाली, k1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, मेरे पास a आ गया। अब मैं नेक्स्ट इसको सॉल्व किया, तो इसमें k2 की वैल्यू देखो मैंने निकाली, k2 की वैल्यू ये आ गई, इसको यहाँ पे पुट कर दिया k3। अब a किसमें आ गया बेटा, k3 में। नेक्स्ट टर्म में आ जाओ बेटा, यहाँ पे a प्लस थ्री कॉन्करेंट जीरो मोड फाइव, तो इसको क्या लिखेंगे, a कॉन्करेंट माइनस थ्री मोड फाइव, यू नो माइनस थ्री कॉन्करेंट टू मोड फाइव, तो मेरे पास क्या है, a कॉन्करेंट टू मोड फाइव। ओके a की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा, ट्वेल्व के थ्री प्लस टू कॉन्करेंट टू मोड फाइव, तो ट्वेल्व के थ्री कॉन्करेंट जीरो मोड फाइव, फाइव डिवाइड ट्वेल्व के थ्री, फाइव ट्वेल्व का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है वन, तो मेरे पास कितना होगा बेटा, फाइव डिवाइड के थ्री, k
A3 की वैल्यू कितनी आ गई 5K4, पुट इन दिस वन, A इक्वल टू 60K4 प्लस 2। मेरे पास A की वैल्यू आ गई बेटा 60K4 प्लस 2 आ गई। अब नेक्स्ट बेटा लास्ट टर्म, इसमें A प्लस 4 कॉम्पोनेंट 0 मोर 6, तो A कॉम्पोनेंट माइनस 2 माइनस 4 मोर 6, तो माइनस 4 किसके साथ कॉन्करेंट है बेटा 2 मोर 6, तो क्या लिखूंगा A कॉन्करेंट 2 मोर 6। ओके, A की वैल्यू मालूम है बेटा कितनी है 60, 60K4 प्लस 2 कॉन्करेंट 2 मोर 6, तो मेरे पास क्या है बेटा 60K4 कॉन्करेंट 0 मोर 6। ओके, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है बेटा, कितना हुआ बेटा देखो 66/60K4, तो मींस 1/K4 विच इज ट्रू, 1/ एवरी नंबर, तो मेरे पास लास्ट में ये वैल्यू आ गई बेटा विच इज ट्रू बिकॉज 1/ एवरी नंबर। हमने क्या निकालना है स्मॉलेस्ट, तो K4 की वैल्यू स्मॉलेस्ट कितनी पुट करेंगे बेटा 1, तो मेरे पास क्या नंबर आया बेटा 62। ये 62 क्या है बेटा स्मॉलेस्ट नंबर है जो सभी कंडीशन को क्या करेगा बेटा सेटिस्फाई करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं और एग्जांपल्स करवाऊंगा इसकी, जिसमें मैं लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट लास्ट थ्री डिजिट ऐसे क्वेश्चन करूंगा कैसे निकालने आपने। सो थैंक यू वेरी मच।